जिसके तेवर थे हमलावर, बना 25 परिवारों का गॉडफादर, बड़े मैच का था खिलाड़ी, जब भी अहम मौकों पर आई उसकी बारी, नहीं किया कभी टीम को निराश, दिखाया अपना दम, जब थी टीम को आस, जब बल्ले से दिखाई यारी, दो दो वर्ल्ड कप में खेली यादगार पारी। तारीख 25 अप्रैल 2017, जगह छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले का दोरनापाल इलाका, गश्त लगा रहे सीआरपीएफ जवानों पर घात लगाकर नक्सली हमला। हमला इतना तगड़ा था कि 25 जवान शहीद हो गए और कई जवान हमले में घायल। आप सोच रहे होंगे कि साल 2017 का आज हम जिक्र क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस घटना से पूरे देश के साथ एक और शख्स गंभीर रूप से आहत था। उसके मन में आम लोगों की तरह रोष था, वो भी गुस्से में था। वो शख्स सिर्फ क्रिकेट के मैदान पर ही हमलावर नहीं था, देश में ऐसी घटनाओं ने उसे भी झकझोर डाला था। उसे भी अपने नेताओं से शिकायत थी, उसे भी उस घटना पर गहरा धक्का लगा था। यही तो पहचान होती है सच्चे देशभक्त की। इस शख्स ने तो अपने खेल से टीम इंडिया को 2 बार वर्ल्ड चैंपियन बनाया, लेकिन अब बारी थी देश का परचम लहराने के बाद देश के लिए कुछ करने की। भला इसमें ये खिलाड़ी पीछे कैसे रह सकता था। इस खिलाड़ी ने उन शहीद 25 जवानों के बच्चों को शिक्षित करने में मदद करने के लिए टीम के फ्रंट रनर की भूमिका निभाई। जी हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप के हीरो, या फिर कहें कि भारत के हीरो गौतम गंभीर की। साल 2017 में वो कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए आईपीएल टूर्नामेंट में खेल रहे थे, शानदार प्रदर्शन किया, उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला, टीम के वो कप्तान भी थे। सोचिए यहाँ भी उन्होंने अपनी टीम को लीड किया। जो पुरस्कार राशि मिली वो नहीं ली, बल्कि उन 25 जवानों के बच्चों के लिए ये राशि दान करने का संकल्प लिया। भारत के सपूत ने 25 शहीद सपूतों के परिवार के बच्चों के पढ़ाई का खर्चा उठाने की बात की और ये काम अपनी संस्था को सौंप दिया। ऐसे हैं हमारे गौतम गंभीर, वो इतने मुखर भी थे और इस हमले ने उन्हें इतना आहत किया था कि उन्होंने एक ट्वीट भी किया था जिसमें उन्होंने लिखा था, मेरे देशवासियों की जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है और इसके गुनहगारों को इसकी कीमत चुकानी होगी। उन्होंने छत्तीसगढ़, कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, क्या हमें और चेतावनी की जरूरत है या फिर हमारा देश बहरा है। मेरे देशवासियों की जिंदगी सस्ती नहीं है और किसी को उसकी कीमत चुकानी होगी। ये तो थी गौतम गंभीर की सोच और नीयत अपने देश के प्रति। जब भारत के लिए उनके खेल की बात आती है तो उनकी पारी भी इतिहास के सुनहरे पन्ने में दर्ज है। साल 2007 में भारत पहली बार वर्ल्ड T20 चैंपियन बना और इस मैच में भारत के लिए गौतम गंभीर टॉप स्कोरर रहे। पाकिस्तान के खिलाफ इस खिताबी मुकाबले में गंभीर ने दमदार पारी खेली। टीम इंडिया ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 157 रन बनाए थे। गंभीर ने 54 गेंदों पर 8 चौके और 2 छक्कों की मदद से 75 रन बनाए। पाकिस्तान की टीम 19.3 ओवर में 152 रन पर ऑल आउट हो गए और टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप की पहली चैंपियन बनी। गंभीर ने 2011 वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में टीम इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा 97 रन की पारी खेली थी। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप जीता, जो भारत का दूसरा वनडे वर्ल्ड कप रहा। गंभीर ने इस जीत में अहम भूमिका अदा की। गौतम गंभीर ने आईपीएल में भी अपनी कप्तानी में कोलकाता नाइट राइडर्स को 2 बार चैंपियन बनाया। साल 2012 में चेन्नई सुपर किंग्स को फाइनल में हराकर केकेआर ने पहली बार आईपीएल की ट्रॉफी जीती। इसके 2 साल बाद कोलकाता ने किंग्स 11 पंजाब को हराकर दूसरी बार ट्रॉफी पर कब्जा किया। ऐसे हैं हमारे गौतम गंभीर, मैदान पर भी चैंपियन और मैदान के बाहर भी चैंपियन। नियत जिनकी हमेशा रही साफ, किसी भी मुद्दे पर जो उन्हें और उनके देश को प्रभावित करती थी उस पर बोलने में कभी हिचके नहीं, हमेशा समाज को प्राथमिकता दी और आज भी वो एक सांसद के तौर पर समाज कल्याण में व्यस्त हैं। ऐसे कम ही लोग होते हैं जिनका गौतम गंभीर की तरह दायरा होता है। ऐसे ही नहीं वो कहलाए 25 शहीद परिवारों के बच्चों के गॉडफादर। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत पॉजिटिव।